अंग्रेजी राज की गुलामी से आजादी के लिए भारत ने जो लड़ाइयां लड़ी उसमें लगातार हथियारबंद विरोध भी शामिल था, जो 18वीं शताब्दी से लेकर देश को आजादी दिलाने के अंत तक जारी था। विरोध का पहला चरण सन 1857 के महाविद्रोह के रूप में सामने आया, जब अंग्रेजी राज को झारखंड के बिरसा मुंडा जैसे स्थानीय क्रांतिकारियों एवं पुणे के चापेकर बंधुओं द्वारा लगातार चुनौती दी गई। तब कुछ दशक तक इन क्रांतिकारी विद्रोहों का बर्बरता से दमन किया गया। हालांकि सदी के अंत तक क्रांतिकारियों के नेतृत्व में एक नए प्रकार की सशस्त्र क्रांति ने जन्म लिया, जो अधिकतर शिक्षित मध्य वर्ग से जुड़ा था। विप्लवी भारत उनकी कहानी है। क्रांतिकारी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी, विशेष रूप से उनके द्वारा रचित गीत वंदे मातरम एवं स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित थे। ऐसे परिवेश में अरविंद घोष और विनायक सावरकर जैसे नेताओं के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की पहली पीढ़ी ने भारत और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से संबंध जोड़ना शुरू कर दिया था। आमतौर पर इन क्रांतिकारियों के संपर्क का माध्यम गुप्त समितियां जैसे अनुशीलन एवं युगांतर जैसी समितियां हुआ करती थीं। रास बिहारी बोस, बाघा जतिन, सचिंद्रनाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और मदनलाल ढींगड़ा जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारियों के नाम अधिकतर भारतीयों ने सुने होंगे। फिर भी यह ध्यान देने की बात है कि उन्होंने जो कार्य किया वह सिर्फ वीरता से जुड़े निजी कार्य नहीं थे। ये सभी क्रांतिकारी पूरी तरह देशी संबंधों एवं विदेशी संपर्क सूत्रों से जुड़े होकर साथ एक बड़े आंदोलन का हिस्सा थे। क्रांतिकारियों ने औपनिवेशिक अधिकारियों जैसे 1912 में दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हेस्टिंग्स को निशाना बनाकर हमला किया, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि क्रांतिकारियों का बड़ा उद्देश्य अंग्रेजों के लिए काम कर रहे भारतीय सैनिकों के बीच विद्रोह पैदा करना था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर का प्रयास, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज और आखिरकार 1946 का नौ सैनिक विद्रोह जिसने भारत की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया। विप्लवी भारत की यही कहानी है। अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन से भारत की आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों एवं उनकी सशस्त्र क्रांति की कहानी एक प्रमुख हिस्सा है। अहिंसक राजनीतिक आंदोलन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसे अक्सर उचित स्थान नहीं दिया गया है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में इस नई गैलरी का उद्देश्य 1947 तक की सभी घटनाओं को समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना है और क्रांतिकारियों द्वारा निभाई गई प्रमुख भूमिका को दिखाते हुए स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को संतुलित बनाना है।